अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी समीरुद्दीन हाजी समीर वार्ड नंबर 246 से का रहने वाला हूं और मैं मजलिस का मुजाहिद और एक मजबूत सिपाही हूं। मैं आप लोगों से कहने वाला हूं कि आप लोगों से गुजारिश है कि जो कल 4 दिसंबर में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पतंग के निशान पर वोट करें। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, लोग तरह तरह की अफवाहें करेंगे कि वो बैठ गया और वो खड़ा हो गया और ये समर्थन और वो समर्थन। हम लोग खुदा को हाजिर नाजिर करते हुए सब लोग एक अहद करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पतंग के चुनाव चिन्ह पतंग के निशान पर वोट डालेंगे और डलवाएंगे। मैं अपनी माँ बहन बुजुर्ग नौजवान साथियों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ कि आप लोग किसी के भड़काए में ना आए या बहकाए में ना आए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पतंग इस वक्त वन नंबर है, वन नंबर पर चल रही है। आप किसी के धोखे में ना आए और सरताज अली के लिए वोट करें। और दिल्ली में जहाँ जहाँ भी मेरे भाई जो भी MIM से जो भी खड़ा है, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अपने रिश्तेदार यार दोस्त जो भी हैं रिश्तेदारी, उनसे भी यही अपील करें, कहें कि भाई पतंग के निशान पे जो है आप लोग वोट करें। आप लोग अगर वोट करेंगे तो आप ही लोग जीतेंगे, आपका जो मसला है मजलिस है वो जीतेगी, असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत होंगे, आपकी आवाज़ उठाने वाले की ताकत मिलेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सुबह ही निकल करके मैं अपनी माँ से बहनों से भाइयों से नौजवान साथियों से अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ, किसी भी तरह से इस सीट को निकाल लो, क्योंकि ये हमारी सीट पार है। कपिल मिश्रा ने भी कहा है कि भाई वो 4 हैं और 22,000 या 20,000 जितने भी वोट हैं उस तरफ, वो कह रहा है कि मुझे एक एक वोट चाहिए। देखो जरा से लिए अपने को थोड़ी चूक ना हो जाए, कैंडिडेट होता है कोई बात नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कुछ दिन के लिए पछताता है, लेकिन आवाम जो है पछताती है, पूरे 5 साल के लिए पछताती है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जो हालात है, पतंग के हालात बने हुए हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि पतंग के चुनाव चिन्ह निशान पतंग पे ही वोट करें। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज।